केस नहीं लड़ूंगा। जेठालाल जी ये ले लीजिए 10,000 रुपए वापस। अरे पर अंकल पैसे क्यों वापस कर रहे हो? तो यहाँ मानूस। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि एक ही नोटिस में फैसला हो जाएगा, क्या हुआ? हाँ तो देखिए हो गया फैसला। अरे आप ठीक हो जाएंगे। देखिए मैं ये केस लड़ूंगा ना तो मैं खुद एक केस बन जाऊंगा। अरे पर मुझे एक बात बताओ जेजे, तुम्हारा ये हाल किसने, लोखंडे के आदमियों ने किया है? नहीं नहीं, वो मैं गाड़ी चला रहा था ना, बीच में एक हाथ गाड़ी वाला आ गया और 4-5 लोगों ने मुझे बहुत मारा। इस वजह से आपका ये हाल हुआ है? चलो कोई बात नहीं वकील साहब, और जल्दी आप ठीक हो जाओगे फिर केस लड़ लेना। सोरी, समझने की कोशिश करो, ये लोखंडे ने अपने आदमियों को भिजवा के ये हाल करवाया जय प्रसाद का, खंड खंड कर दिया बेचारे को। देखिए जेठालाल जी मेरी बात मानिए, चंपकलाल जी को समझाइए इस झमेले में ना पड़े। हाँ पर वकील अंकल आपने तो कहा था कि हमें हमारा गांधी मैदान वापस मिल जाएगा। बेटा जोश में आदमी कुछ भी बोल देते है लेकिन उसे सच नहीं मानना चाहिए। पर ऐसे पूरे अंकल वकील भाई सच्चाई के लिए लड़ना आपका धर्म नहीं है? सच्चाई के लिए लड़ना ये अच्छी बात है, लेकिन गुंडों के सामने लड़ना ये मेरा धर्म नहीं है। बराबर है। अरे पर जेठा भाई चंपकलाल जी को समझाना। टप्पू के पापा वकील भाई भले डर गए लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे। सही बात है। अरे दया तो शांति रखना भाई। चलो मैं चलता हूँ। सॉरी, एक 2 मिनट वकील साहब मेरे घर पे आएंगे आप? क्यों? मैं बापूजी को यह सैंपल दिखाना चाहता हूँ। पापा क्या आपको देखेंगे ना वो समझ जाएंगे कि यह सब मगजमारी करने में पड़ने जैसा नहीं है। नहीं नहीं आप उनको ऐसे ही समझा दीजिए, मैं चलता हूँ। 2 मिनट ज्यादा टाइम नहीं भाई, मैं नहीं। सोटी आपको ऐसे गोद में उठा लेगा? अरे भाई दवाई तो लेते जाओ, अरे फ्री में दे रहा हूँ। अरे नहीं बहुत गहरी चोट लगी लगती है। देखा मेहता सर वकील की हालत देखे, वो लोखंडे वकील की ऐसी हालत कर सकता है तो सोचिए हमारी क्या हालत करेगा वो। आप चलिए प्लीज घर पे चलिए, बापूजी को समझाइए कि यह सब मगजमारी करने का कोई मतलब नहीं है। चुप के पापा हम दूसरे वकील भाई ढूंढ लेंगे। हाँ 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 पापा। तो शांति रख, शांति रख एकदम। सारा वकील चाहिए, देखा नहीं तूने? आज उसने वकील को मारा, कल मुझे मारेगा, परसों अय्यर भाई को मारेगा। नर्सो मैं आने नहीं दूंगा, इस लोखंडे को तो अपने लोहे जैसे हाथों से मार मार के मस्ती कर दूंगा। सबस सोडी भाई सबस। थैंक यू। अरे सोडी भाई तो शांति रखना, अभी चाचा जी को समझाना जरूरी है। चलो भाई चल, चलिए मैं भी चलता हूँ चाचा जी को समझाना। हाँ चलो एक सब भले दो। चलो भाई चलो चलो भाई। आया मेहता सर, बोलिए बात कीजिए। आइए। जय जिनन चाचा जी। हाँ क्या हुआ? अब चाचा जी वो जो वकील था अपनी फीस के पैसे वापस देके चला गया। क्या? असल में उस लोखंडे के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा। अच्छा तो अरे बापूजी हमें ये सब झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है? हम ठहरे सीधे साधे लोग और वो लोखंड एक नंबर का गुंडा है। गुंडा बापूजी। तो तू क्या चाहता है, मैं भी उस वकील की तरह डर के बैठ जाऊं? केस लड़ना उसका काम है, अगर उसे अपना काम नहीं करना है तो ना करे, लेकिन मेरी ये लड़ाई बच्चों के लिए है और मैं लड़ूंगा। बापूजी मैं आपके साथ हूँ। तू चुप बैठने दया। ए जेठिया चुप रहने से अन्याय बढ़ता है। अरे लेकिन बोलने से मार पड़ती है, उसका क्या बापूजी? ये बबूचक, बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। मैं बच्चों को क्या जवाब दूं कि ये तुम्हारे दादाजी अन्याय से डर के पीछे हट गया?
इसको क्या हो गया? ताली बजा रहा है। वाह चाचा जी वाह, क्या उच्च और आदर्श विचार है आपके। मैं आ तो था आपको समझाने, लेकिन अब इस मुहिम में मैं आपका तहे दिल से साथ दूंगा। ओ पाटली बदलू पोपटलाल, वो लोखंड है तुम्हारी ऐसी पिटाई करेगा, ऐसी पिटाई करेगा कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं रह पाओगे, तो साथ क्या खाक दोगे? पोपटलाल जोश के साथ थोड़ा सा होश से भी काम लो। अरे भाई हमें अगर ये सब करना है तो हमें अपना काम धाम छोड़ना पड़ेगा। पर चाचा जी एक बात बताइए, हम लोग अपना काम छोड़ के रोजगार की चिंता किए बगैर क्या ये लड़ाइयां लड़ेंगे? बराबर है ये बराबर वाली, सब लोग ऐसा सोचेंगे तो अन्याय करने वालों की हिम्मत तो और बढ़ जाएगी। बराबर बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है अन्याय के खिलाफ बस एक कदम बढ़ना चाहिए, फिर न्याय आपो आप हमारी झोली में आ जाता है। अरे एक कदम नहीं, हम लोग बहुत सारे कदम आगे बढ़े के वकील की ऑफिस तक पहुंच गए थे, लेकिन हमारी झोली में क्या आया? पीटा हुआ वकील। जेठालाल तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जब तक हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। पोपटलाल साथ में मिलकर आवाज उठाने से इनकार नहीं है, हम लोग साथ में मिलकर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सारे लोग 2400 घंटे साथ तो नहीं रह सकते। हर आदमी को अपने काम पे जाना होता है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, और ऐसे में अकेले में वो जा रहा है और लोखंडे के गुंडों ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? अरे तुम तो अकेले ही रहते हो, तुम्हारा तो घर पे आके लोखंडे के आदमी लोग तुम्हें लोखंड लोखंड से मारेंगे। ए जेठिया इसे डरा मत। चाचा जी बात डराने की नहीं है, हम उस वकील का हाल अभी देख के आए, जो लोग उस वकील के साथ ऐसा कर सकते हैं वो हम लोगों के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं। महतूस तू लेखक है ना, तू क्या अपने लेख से लोगों को ये संदेशा देता है कि होता है होने दो, चलता है चलने दो, डर के मारे अन्याय को सहन करो है? नहीं नहीं देखिए चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई न लड़े, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जेठालाल की बात बिल्कुल सच है चाचा जी। देखिए ये डर सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है, हमारे पीछे परिवार है, हमारे बीवी है, बच्चे हैं, और हम लोग तो हर वक्त घर पे रहते नहीं, अपने अपने काम पे जाते हैं, और मुझे बताइए ऐसे में परिवार वालों को कोई नुकसान पहुंचा तो कौन जिम्मेदार होगा? और वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना, गुंडे उनका तो कोई धर्म है ही नहीं। देखो तुम लोग मेरा साथ दो ना दो कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं लोखंडे से मिलने जरूर जाऊंगा, और अब मुझे किसी वकील की भी जरूरत नहीं। वाह क्या बात है चाचा जी, कितने हिम्मत वाले हैं भाई, वो जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाटली बदलू पुत्र, तू मगर इस माहिम में जुड़े है। मुहिम माहिम, तुम इस माहिम में जुड़े तो तुम्हारा भाई खला हो जाएगा, बिना शादी का शहीद हो जाएगा भाई। चलता हूं मतलब ये मत समझना कि मैं डर गया हूं, मैं इस माहिम में मुहिम पोपटलाल इस माहिम में भाई खला नहीं होऊंगा, मैं हर हाल में चाचा जी का साथ दूंगा। मेहता साहब क्या करें, अभी बापू जी तो मान ही नहीं रहे। जेठालाल मेरे ख्याल से हमारे पास सुबह तक इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि जब तक चाचा जी लोखंडे से मिलकर नहीं आते तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। पर हाँ तुम थोड़ा सा सावधान रहना। क्या करो, पुलिस कंप्लेन कर दो? नहीं नहीं पुलिस को क्या कंप्लेन करेंगे, ना तो उसने कोई धमकी दी है ना हमारे साथ कोई मारपीट की है, तो क्या कहेंगे क्या पुलिस को? तो वो लोग वो वकील जैसी मेरी हालत कर देंगे, बाद में कंप्लेन करो। नहीं नहीं देखो जेठालाल ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे ख्याल से कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है अभी मैं चलता हूँ, गुड नाइट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टप्पू के पापा, बापूजी एकदम सही है, आप उनकी बात मान लो। दया कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस आग में घी डाला है ना। मुझे नींद आ रही है भाई। टप्पू बेटा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? दादाजी मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे वो लोखंड अंकल से बदला लेना है।
टप्पू बेटा थोड़ी शांति रख। अच्छा मुझे एक बात बता, कोयल कैसे बोलती है? बता कोयल कैसे बोलती है? और कौवा? अब मुझे ये बता, कौवा कभी कोयल के जैसे सुरीला हो सकता है? नहीं। और कोयल कभी कौवे के जैसी बेसुरी हो सकती है? नहीं दादाजी। उसी तरह बेटा, उसी तरह बुरा आदमी बुराई करे उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ें। पर दादाजी ये लोखंडे अंकल सबको डराएंगे तो हमारे लिए कौन लड़ेगा दादाजी? हम खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे। टपुड़ा तुझे पता है आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों ने खूब लाठियां बरसाई, लेकिन आजादी के मतवालों ने अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ा। उसी तरह हम भी अपना सत्याग्रह नहीं छोड़ेंगे। दादाजी हमारा मैदान हमें मिलेगा ना? बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा और कल लोखंडे बिल्डर से मिलने भी जाऊंगा। ठीक है सो जा। शहर में मैदान कम हो रहे हैं, ये सामाजिक समस्या अब मेरी पर्सनल समस्या हो गई है। भगवान आपके मुसीबत सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या सिर्फ मेरा ही पता है? मेरी दुकान में जितना कस्टमर आप नहीं भेजते उससे ज्यादा मुसीबतें आप मेरी जिंदगी में भेज रहे हैं। प्लीज बापूजी को समझाइए प्लीज। ये क्या, टप्पू के पापा चिंता में है, उनका ध्यान भंग करना पड़ेगा। क्या कर रही है दया? अरे टप्पू के पापा आपने तो मुझे फॉरेन पे चल लिया, बहुत होशियार हो आप। ये होशियार वाली क्या फालतू जोक मार रही है, नॉनसेंस। ए भाई घर में क्या शेर बन रहा है? अरे डांटना ही है तो जाके उस लोखंडे को डांट जो बच्चों का मैदान हड़प रहा है। बापूजी। अरे हाँ सॉरी भाई सॉरी, ये तो मेरी लड़ाई है ना, मुझे लड़नी है। तू बैठ, तू चुपचाप आराम से घर में बैठ। बापूजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। लेकिन क्या है? कुछ नहीं है, मुझे और कुछ नहीं सुनना, जो कहना सुनना था वो कल रात को हो गया। अब कहने की बारी मेरी है और सुनने की बारी उस लोखंडे की है। बहू मैं जा रहा हूँ। चलो दादाजी। नहीं बेटा मैं जाता हूँ, तू रहने दे। नहीं दादाजी ये लड़ाई बच्चों की है, आप हमारे लिए लड़ रहे हो, मैं आपके साथ आऊंगा। अगर मैं आपके साथ आऊंगा तो मैं सीखूंगा कि हमें हमारे हक के लिए कैसे लड़ना चाहिए। शाबाश टपुड़ा चल। बापूजी मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो मैं अकेला जाऊंगा। ये छोटे क्रांतिवीर। बापूजी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़िए ना ये सब मगजमारी। अरे वो लोखंड है बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, बहुत पावर वाला है। अरे वो कितना भी पावर वाला हो, मेरे पास उससे भी बड़ा पावर है सच्चाई का। मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। तू भाई तू घर में बैठा रहे, डर के मारे घर में बैठा रहे। चल टपुड़ा। बापूजी मैं भी आपके साथ आती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। नहीं बहू तू रहने दे, मैं और टप्पू जाते। चल बेटा। बापूजी बापूजी रुकिए मैं भी आता हूँ। मेरी दन्नो रानी बड़ी प्यारी है यार तू। हेलो। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भाई इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, पेज नंबर 2 पर मेरा लिखा हुआ। नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं उनको बोलो। एक मिनट। पेज नंबर 2 पर मेरा लिखा हुआ जबरदस्त आर्टिकल छपा है, जरूर पढ़िएगा। ओके थैंक यू थैंक यू। नहीं नहीं आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? पप्पू द ग्रेट। जरूरत पड़ी तो कानून का दरवाजा भी खटखटाएंगे। शाबाश वेरी गुड। माधवी भाभी पोपटलाल भाई ने गांधी मैदान बचाने के लिए जबरदस्त आर्टिकल लिखा है ना? मस्तद। उस पॉलिटिशियन कम बिल्डर लोखंडे की इज्जत का फालूदा कर दिया। कोमल भाभी ऐसा कहो ना कि पोपट भाऊजी ने लोखंडे की दुनिया ही हिला दी। एग्जैक्टली। वैसे मेरा भी मानना है कि मैदान बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए।
अरे बच्चों के लाइफ में मैदान का उतना ही महत्व है जितना अचार में मसाले का, हो कि नहीं? राइट। वैसे पोपटलाल भाई और चंपक चाचा को सलाम है कि वो बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं। खरच मैडम, पेज नंबर 2 पर मेरी लिखी हुई न्यूज छपी है, जरूर पढ़िएगा। लीजिए भाई साहब। पोपट भौजी। ओके, और हाँ, ओ पोपट भौजी। भाई गुड मॉर्निंग माजी भाभी, कोमल भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपट भौजी, क्या जबरदस्त रिपोर्ट लिखी है आपने। थैंक यू थैंक यू। वेल डन पोपटलाल भाई। हाँ मस्त। थैंक यू कोमल भाभी। ये लोखंडे बिल्डर जब तक बच्चों के खेलने का मैदान वापस नहीं देगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला, दुनिया हिला दूंगा। बरोबर है बात। ओ बापू जी तो शेर की तरह जुस्से से जा रहे, अभी अगर मैं उनको रोकने गया तो खरगोश की तरह मुझे हवा में उछाल देंगे। मैं तो सबको बोलता हूँ। दादाजी मैं मेरे टप्पू सेना को बुला के आता हूँ। अरे भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तू फिर आ गया हमें रोकने। नहीं नहीं बापू जी, मैं भी आ रहा हूँ साथ में, एक मिनट मैं आया अभी जरा। ताला क्यों लगा है? वो अंजलि भाभी और मेहता साहब सुबह सुबह बाहर चले गए। सुबह सुबह कहाँ गए हो? पता नहीं। क्यों? सॉरी सॉरी सॉरी। अब निकले चलिए। ओहो, गड़ा परिवार का कल आज और कल एक साथ, सुबह सुबह सवारी कहाँ जा रही है? वो लोखंडे बिल्डर अंकल के ऑफिस में। अच्छा तो फिर तो मैं भी साथ चलता हूँ। ठीक है। वाह पोपटलाल भाई, आप पर और चाचा जी पर हमें गर्व है। इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हिम्मत से बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं आप। अभी हम लोग लड़ने ही जा रहे हैं। बोल पापा जी। टप्पो बेटा, हम लड़ने नहीं उसे समझाने जा रहे। ओ चाचा जी, और ऐसे लोग जो है ना समझाने से नहीं समझते, ऐसे लोगों को इनकी स्टाइल में ही समझाना पड़ता है। और जो कीर्तन से ना समझे उनको पंगड़े का रंग दिखाना पड़ता है। तो उधर एक काम कर, फटाफट मेरे घर पे जा, वहां से हॉकी स्टिक लेके आ। यस। अरे क्या यस, कहीं नहीं जाना है। अरे अरे इधर खड़ा रह, कहीं नहीं जाना है। टप्पू तू रुक, देख भाई सोडी, हमें वहाँ हिंसा नहीं करनी है। बापूजी सोडी वहाँ जाके हिंसा ही करेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप वहाँ जाना कैंसिल ही कर दो प्लीज। हाँ भैया कैंसिल। अरे वहाँ देखो पोपटलाल भी बोल रहा है कैंसिल, चलो कैंसिल कैंसिल। नहीं 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 भाई, सोडी का आना कैंसिल। ओए पप्पू। सॉरी क्या कर रहा है भाई पोपटलाल? सॉरी सॉरी। क्या करता है भाई? सॉरी सॉरी एवरीबॉडी। क्या क्यों, किस लिए कैंसिल भाई? अरे भाई सोडी, जब पैर में लगा कांटा अगर सुई से निकल सकता है तो तलवार की क्या जरूरत है? तो तू तलवार म्यान में रख, मैं कलम की जुबान से उसकी दुनिया हिला दूंगा। नहीं मैं तो जरूर 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 आऊंगा। अरे भाई ये तो अब जिद पे अड़ गया है। सोडी अंकल आप बिल्कुल गोगी पर गए हो, गोगी भी कभी कभी ऐसी जिद करता है। देख भाई सोड़ी, हमें ये मामला शांति से सुलझाना है। तू वहाँ आएगा मारा मारी करेगा तो बात और बिगड़ जाएगी। ये बच्चों के मैदान की बात तो एक बाजू रह जाएगी, नई परेशानी शुरू हो जाएगी। सोड़ी भाई चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ आप मत जाइए, जेठा भाई पोपटलाल भाई उनके साथ जा रहे हैं ना, और टप्पू भी। ठीक है, एक दो ढाई साढ़े तीन साढ़े चार साढ़े पांच, और साढ़े पांच पांच लोगों की बात सार आंखों पर। जेठा बड़ा मेरी जरूरत पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फटाफट फोन कर देना। चलो चलो भाई चलो चलिए चलिए।
भगवान, अब तो जाना ही पड़ेगा, संभाल लेना। हर खेल के अपने नियम हुआ करते हैं, या तो दो व्यक्ति आपस में खेलते हैं, या दो टीमें खेलती हैं, दो देश आपस में खेल खेलते हैं। लेकिन आपने ऐसा तो कहीं नहीं देखा होगा जैसा हमारा परम मित्र जेठालाल के साथ होता है। उनके साथ किस्मत खेल खेलती है। कई बार तो मुझे लगता है कि विधाता ने उनका भाग्य कांटों वाली कलम से लिखा है। बहरहाल, आप कभी चिड़ियाघर में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि शेर के पिंजरे के बाहर एक चेतावनी लगी होती है कि इसे छेड़े नहीं। लेकिन यहाँ हमारे चंपक चाचा तो शेर के साथ गरबा खेलने जा रहे हैं। अब क्या होगा मेरे मित्र जेठालाल का, क्योंकि निडर चंपक चाचा को तो सीनियर सिटीजन होने का डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जेठालाल का क्या हश्र होगा। मुझे लगता है कि उनका तो बिना बारात के बैंड बजने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं भाई, वो व्यक्ति जो वकील की बिना साबुन के धुलाई करवा सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है। यानी कि न तो जेठालाल की मुसीबतें कम होने वाली है, ना चंपक चाचा रुकने वाले हैं, और ना रुकने वाली है आपकी हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक एक मिनट, कहिए। हमें लोखंडे साहब से मिलना है। भाई बाहर गए। चले बाबूजी, नहीं है, चले। अरे एक मिनट, कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे, लेकिन काम क्या है? वो उनसे ही काम। ठीक है, आइए बैठिए, आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये देखो भाई, तूफान एक्सप्रेस में पत्रकार पोपट लाल ने अपने भाई के बारे में और मॉल के प्रोजेक्ट के बारे में उल्टा सीधा लिखा है। अब पता चलेगा इनको, दुनिया हिल जाएगी इनकी। पता करो कौन है पत्रकार पोपटलाल, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अरे ये रहे पत्रकार पोपट अंकल, क्या कर लोगे आप? टप्पू बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई के खिलाफ लिखने की? खबरदार, जोक से हाथ लगाया तो। हाँ, पोपट अंकल को हाथ मत लगाना। हाथ नीचे कर तू अपना। देखो इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, छोटा बॉम्ब हमारे ऑफिस में आके हमें ही हूल दे रहा है। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। देखिए भाई साहब, एक पत्रकार पर हाथ उठाने की सजा मालूम है आपको? नहीं, क्योंकि आज तक किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई भाई के खिलाफ ऐसा लिखने की। लेकिन आज सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। हाथ छोड़ो, छोड़ो सर। देखिए हाथ मत लगाया, देखिए छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। देखिए छोड़ो, बीच में मत बैठ, छोड़ो मत, क्या हो रहा है? भाई वो जो अपने गांधी मैदान में मॉल जो बनने वाला है ना, उसके खिलाफ और आपके खिलाफ इस पोपटलाल पत्रकार ने अनाप शनाप लिखा है भाई। अरे भाई पत्रकार है तो लिखे गए ना। थैंक यू, देखा। और घर आए मेहमान से ऐसे व्यवहार करते हैं? सॉरी बोलो। सॉरी, चलो जाओ बाहर जाओ। खड़े क्यों आप लोग, बैठिए ना। थैंक यू। माफ करना, जरा नादान है, मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरे खिलाफ कुछ भी होता है तो गुस्सा हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा से मेरे ऑफिस में ऐसे ही 40-50 नादान लड़के हैं जो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छी बात, लेकिन तुमसे और हमसे भी बड़ा कोई है जिसका नाम है कानून, जिसकी इज्जत बनाए रखते हैं हजारों लाखों पुलिस के जवान। वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही है आपने। वैसे आपकी तारीफ। मैं चंपकलाल जयंतीलाल गढ़ा। ओहो हो,
तो आप ही हैं चंपकलाल जी और ये पोपटलाल जी जो उस दिन वहां गांधी मैदान गए थे। हाँ हाँ। और आप कौन? मैं इनका पापा और इनका बेटा हूँ। नहीं नहीं सॉरी, इनका पापा और इनका बेटा हूँ। मतलब ये इनके बेटे हैं और ये इनके बेटे। आप किन के बेटे हैं? पापा के। किसके पापा के? मेरे अपने खुद के पर्सनल पापा। अच्छा है, वैसे आप तो व्यापारी आदमी हो ना, गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आप ही की दुकान है ना, तो आप मेरे गांधी मैदान में बनने वाले मॉल में दुकान बुक करा लीजिए। मैं आपको फर्स्ट क्लास डिस्काउंट दूंगा, और अगर दुकान अपने पिताजी के नाम में लोगे तो सीनियर सिटीजन होने के नाते 10% डिस्काउंट और दूंगा। भूमि पूजन वाले दिन सबसे पहली बुकिंग आपकी। नहीं, जेठा वहां पे दुकान नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉल बनेगा ही नहीं, वो बच्चों के खेलने का मैदान है। चाचा जी, वो मैदान था लेकिन अब नहीं है, वो जगह मैंने ले ली है। और प्लीज, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, नेगेटिव बातें करके उसको नजर मत लगाइए। और तुमने जो बच्चों के खेलने के मैदान पे नजर लगाई है वो मैं अभी का अभी आप ये मॉल बनाने का आइडिया कैंसिल करो। हाँ। अरे क्यों कैंसिल कर दो भाई, मेरा करोड़ों रुपया लगा है वहाँ, और पत्रकार होकर ये कैसा आर्टिकल आपने लिख दिया, गैर जिम्मेदाराना, और मेरी इमेज को तो क्लीन बोल्ड कर दिया ना, ऐसा नहीं लिखते प्लीज, अब मत लिखना। हाँ ठीक है, तुम बच्चों के खेलने के मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो, वो नहीं लिखेगा। हाँ, मेरे दादाजी जो कुछ भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, और जो उनकी बात सुनता है हमेशा खुश रहता है। अरे भाई तू शांति रखना, इधर बड़े बात कर रहे हैं ना, तो क्यों बीच में टप 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 कर रहा है टपो। अच्छा बोलता है। अच्छा बातें तो होती रहेंगी, आप ये बताइए क्या लेंगे? भाई पहली बार आप मेरे ऑफिस में आए, खातिरदारी तो होनी चाहिए, ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप गुजराती है ना, मेरा एक पहलवान है मस्त मेथी पाक बनाता है, मेथी पाक समझते हैं ना, खाएंगे? ठीक है खिलाइए। क्या खिलाइए, गुजरातियों में मेथी पाक मतलब मार खाना होता है, खाना है? नहीं 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 नहीं, कोई कुछ कुछ नहीं खाना। आप तो व्यापारी हैं, समझाइए अपने पिताजी को कि करोड़ों रुपया और इज्जत दांव पे लगता है तो इंसान कितना टेंशन में रहता है। हाँ तो करोड़ों रुपये और इज्जत सोच समझ के दांव पे लगाना चाहिए। देखो भाई, मैं यहाँ तुमको सिर्फ एक बात शांति से समझाने के लिए आया हूँ। समझाइए। गांधी मैदान बच्चों के खेलने के लिए है और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। बिल्कुल, अगर बच्चों को अपना मैदान नहीं मिला तो दुनिया हिल जाएगी। किसकी दुनिया हिलेगी तो वक्त ही बताएगा। अरे चाचा जी, ये उम्र आपकी लड़ने की नहीं है, ये उम्र तो आपकी तीर्थ यात्रा पर जाने की है। मैं अपने खर्चे पर बुजुर्गों को हर साल चार धाम की यात्रा पर भेजता हूँ, अगर आप कहें तो इस साल आपका नाम लिखवा दूं। अरे भगवान का नाम लीजिए, पुण्य कमाइए, कहाँ झंझट में पड़े हैं आप। ये मेरा बेटा चार धाम तो क्या, मुझे दुनिया के हर मंदिर की यात्रा करवा सकता है, और मेरे पुण्य की नहीं, तुम जो पाप करने जा रहे हो उसकी बात करो, गांधी मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो। क्या है कि मैं एक बिल्डर हूँ और मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं मॉल वहीं बनाऊं। वैसे तो मैं एकदम शांत प्रिय आदमी, पर अपनी कुंडली की कुछ खास बातें बताता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, पर जो भी मेरे खिलाफ जाता है उसकी लाइफ में अशांति अपने आप आ जाती है, पता नहीं कैसे। बरसों पहले मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता था उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, दूसरे दिन उसकी दुकान में आग लग गई। बोलो। और तो और, दो महीने पहले मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी, रात को म्यूजिक देर तक चल रहा था, पड़ोसी ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी, नेक्स्ट डे उसकी नई कार चोरी हो गई, बताइए। अब कल की ही बात ले लीजिए, आपका वकील मेरे खिलाफ केस करने गया था, किसी से झगड़ा हो गया और लोगों ने पकड़ के पीट डाला, तुम हमें धमकी दे रहे हो।
अरे नहीं नहीं चाचा जी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको धमकी दूँ। मैं तो बस अपनी कुंडली की बातें बता रहा था। अब मैं मेरी कुंडली की बात बताता हूँ। हाँ हाँ बताइए। मैं जब भी अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ मेरी हमेशा जीत हुई है। वाह चाचा जी, मतलब आपकी कुंडली के अनुसार उस मैदान पर मॉल नहीं बनेगा, मैदान ही रहेगा। हाँ, और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। चलो मेरे दादाजी ने जो भी कहा याद रखना। अरे चलना भाई, तू शांति रख। चलो भाई, कुछ याद मत रखना, सब भूल जाना। ये भी भूल जाना कि हम लोग इधर आए थे और आपके बापूजी के साथ कोई टनाटनी हुई थी। प्लीज देखो, तुम थोड़े समझदार आदमी लगते हो। अपने पिताजी को समझाओ कि मुझे परेशान ना करें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ नहीं नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। देखिए, आप गांधी मैदान पे मॉल बना रहे, गांधी मैदान, तो गांधी जी को याद कीजिए, उनके उसूलों को याद कीजिए। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। प्लीज हाँ, प्लीज भाई। पत्रकार, अरे जा रहे पत्रकार जी, हो गई बातें, चलो फिर मिलते हैं दोबारा। अंकल हाथ छोड़ो। चाचा जी, चाचा जी, अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़ो, बोलो हाथ छोड़ो, छोड़ो। सॉरी हाथ थोड़ा सा जोर से दब गया। क्या जोर से दब गया, पूरा हाथ मरोड़ दिया मेरा। कहीं आप इस हाथ से तो नहीं लिखते? अरे इसी हाथ से लिखता हूँ भाई। ठीक है फिर बाया हाथ मिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं मिला मुझे। अरे ठीक है, नमस्ते, थैंक यू। अरे डरिए मत, मिलाइए हाथ। नहीं नहीं ठीक है। मुझसे हाथ मिला बेटा। हाँ बापूजी क्या कर रहे हैं? चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? अरे रहने दीजिए चाचा जी। नहीं नहीं मिला, हाथ मिला। ये क्या किया आपने? बेटा बचपन में ऐसे बहुत खेल खेले हैं, सब कमजोर दिखने वाले लोग कमजोर होते नहीं हैं। समझा देना आपने लोखंडे भाई को। चलो समझने की जरूरत तो आपको है चाचा जी, आप भी समझ जाओ वरना बहुत पछताओगे आप। बापूजी यह आने जैसा ही नहीं था। अरे भाई तू डर क्यों रहा है? डर नहीं रहा हूँ बापूजी, फिकर हो रही है आपकी। अरे हम ठहरे सीधे साधे लोग, ये लोग देखे ना कैसे खतरनाक लोग थे। अरे चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, चल। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे हम लोग चले जाएंगे, तू दुकान जा। बापूजी चल डिब्बे, चल डब्बू, चलिए चलिए। मेहता साहब, आप मुझे अभी के अभी 15-20 मिनट के बाद और नंदू चाय वाले की टपरी पे मिलिए प्लीज। वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप आइए तो सही, वहां पे सब बताता हूँ मैं। प्लीज प्लीज, थैंक यू। मेहता साहब कहाँ रह गए? सॉरी जेठालाल, आ गया मैं। बोलो मेहता साहब, कितने सम्मान के साथ मैंने आपको फायर ब्रिगेड की पदवी दी है, लेकिन आप तो बाबा गाड़ी से भी स्लो है, कितनी देर? जेठालाल मुंबई है ये, यहाँ के ट्रैफिक को क्या तुम नहीं जानते? अरे असली फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी यहाँ का ट्रैफिक नहीं बख्शता, तो फिर मेरी तो क्या बिसात है? बताओ क्या हुआ? पहले आप बताओ, यहाँ इतना टेंशन चल रहा है, सुबह सुबह अंजलि भाभी को लेकर कहाँ चले गए थे? कहीं गया नहीं था जेठालाल, अंजलि की कजिन हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसको देखने गया था। अंजलि वहां से घर चली गई, मैं ऑफिस आया, तुम्हारा फोन आया तो यहाँ आया। बताओ अभी क्या हुआ?
वो सुबह सुबह बापू जी के साथ मुझे लोखंड के ऑफिस में जाना पड़ा और वहाँ कल वकील के साथ मारपीट की, आज पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया। ये तो गुंडा है जेठालाल। अरे उसके करोड़ों के मॉल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं बुलाया है, आपकी मदद मांगने बुलाया है। आप मुझे पूछ रहे हैं अभी? आप बापूजी को समझाओ कि उनका ये आंदोलन बंद कर दे, प्लीज समझाओ। जेठालाल मैं एक लेखक हूँ और मैंने हमेशा सच के लिए लिखा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, इसलिए मेरे ख्याल से चाचा जी का एक कदम बिल्कुल ठीक है। ओ डबल ढोलकी, आप मेरे मित्र हो, आप बापूजी के सेना में काम भर्ती हो गए, आप उनको समझाओ। जेठालाल जो आदमी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है ना, वो बिल्कुल, तुमने रनवे के ऊपर प्लेन देखा है टेक ऑफ के पहले? जब वो एक बार टेक ऑफ के लिए शुरू हो जाता है तो फिर किसी से रुकता नहीं है। इसीलिए चाचा जी अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें समझाना नामुमकिन है। अरे खुद एक काम करो, आप लोखंडे को समझाओ। जेठालाल किसी नदी में कूद के किसी मगरमच्छ को हाथ से पकड़ के बाहर ला सकते हैं क्या? उतना ही नामुमकिन है लोखंडे को समझाना। अरे कुछ नामुमकिन नहीं होता है जीवन में, आप कोशिश तो करो। ओ जानवरों के चैनल में दिखाया था ना, कैसे मस्त लोग पानी में जाते हैं और मगरमच्छ को है ना आराम से खींच के बाहर निकल के लेके आते। ऐसे आप भी नदी में कूदो और मगरमच्छ लोखंडे को बाहर निकालो। क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी लेकिन मेहता साहब, कुछ भी करके इस आग को बुझाना ही पड़ेगा जल्दी, क्योंकि बापूजी टप्पू और पोपटलाल सोसाइटी में गए, वहाँ जरूर वो लोग कोई नई मसाल जलाएंगे। फिलहाल तो एक काम करते हैं, हाँ। एक कप चाय पीते हैं। दो मसाला चाय देना भैया। क्या हो गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? बाबूजी, टप्पू, टप्पू के पापा, पोपट भाई वो लोग आए ही नहीं। अच्छा, अरे हाँ, देव अभी चिंता मत करो, वो लोग आते ही होंगे। अरे बच्चों, दिख रहे हैं, आए क्या? नहीं पापा। अरे क्या हुआ होगा? अगर इसने कुछ किया होगा ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सब ठीक है ना? एक मिनट। हाँ। पप्पू, वो क्यों है लोखंडे के ऑफिस में? चाचा जी, दादा जी, हाँ? हमें रीटा दीदी को बता देना चाहिए। नहीं टपुड़ा, अभी नहीं, वक्त आने पर रीटा दीदी को भी बुला लेंगे। पोपट भाऊ जी, क्या हुआ? अरे हाँ पोपट भाई, आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे कर रहे हैं? अरे लोखंड अंकल के ऑफिस में एक अंकल ने पोपट अंकल का हाथ मरोड़ दिया। व्हाट? क्या कीकल कर रहे हैं? दिखा पप्पू। अरे छोड़ी, छोड़ी, छोड़ी। वो तो मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे अपने साथ लोखंडे के ऑफिस ले चलो। छोड़ी भाई, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? ओए पप्पू, लोखंडे के ऑफिस का एड्रेस दे मुझे। भाई नहीं, तू रहने दे, तू वहाँ जाके लड़ाई करेगा। अरे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर चाचा जी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मेरी बात मान, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, शांत हो जा। अरे चाचा जी, पर सोड़े। ठीक है चाचा जी। अरे पप्पू, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भाई, चल डॉक्टर हाथी से इलाज करवा ले। हाँ, आ जाओ। हाँ, देखे वैसे ये लोखंडे का ऑफिस वही है ना जो शिवशंकर रोड पे, वो उडुपी होटल के सामने है? लोखंडे, मैं आ रहा हूँ, तेनु छड्डा नहीं। अरे अरे सॉरी, शांत हो जाओ।
अरे सोड़ी, मैंने तुझे मना किया ना, तू कहीं नहीं जाएगा। चाचा जी मैं माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, पर उसने पोपू का हाथ मरोड़ा है, उसको पता चलना चाहिए हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। अरे सोड़ी भाई, अरे सोड़ी भाई, सोड़ी भाई रुक जाओ, सोड़ी भाई, सोड़ी भाई रुक जाओ, सोड़ी भाई रुक जाओ, सोड़ी भाई, सोड़ी भाई, सोड़ी भाई, सोड़ी, सोड़ी रुक जा, अरे सोड़ी, अरे ये सोड़ी, सोड़ी रुक जा, सोड़ी, सोड़ी भाई, सोड़ी भाई। हाँ बोल रवि। हेलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी से कोई सरदार आपसे लड़ने के लिए आ रहा है भाई। ठीक है मैं देखता हूँ, ये गोकुलधाम वाले नहीं सुधरेंगे, उधर वो चंपक चाचा गांधी जी बनकर मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहा है, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। मित्रों देखा ना आपने, तोप के गोले की तरह सोढ़ी निकल चुका है और सामने किले की दीवार सा लोखंड है। अब देखना यह है कि इन दोनों के टकराव से कितना बड़ा धमाका होता है। लेकिन अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लोखंडे शकुनी की तरह चाल चलता है, लेकिन हमारा सोढ़ी ऐसा वीर योद्धा है जो लड़ने निकल पड़ता है बिना सोचे समझे। अब देखना यह है कि पोपटलाल का मुड़ा हुआ हाथ इस कहानी में क्या मोड़ लेके आएगा, क्या चंपक चाचा की लड़ाई में कोई तोड़ आएगा या फिर तोड़ फोड़ होगी। लेकिन आप दिमाग पर ज्यादा लोड मत डालिए, आपके घरों में हंसी में सिर्फ जोड़ी जोड़ होगी, हंसी घटेगी नहीं। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तुमने उसे एड्रेस क्यों बताया? अरे चाचा जी मैंने नहीं बताया एड्रेस, वो उसने शांति से पूछा तो मैंने सिर्फ कंफर्म किया। अरे भाई क्या हुआ, क्या सोड़ी कहाँ गए इतनी जोश में? वो सोड़ी भाई उस लोखंडे से लड़ने गए हैं। अरे लेकिन ये सोड़ी लोखंडे से लड़ने क्यों गए? अरे ये सवाल बाद में पूछो, पहले वो बिल्डर के ऑफिस में जाके सोड़ी भाई को तो रोको। आजमराम चलो मैं स्कूटर लेके आता हूँ, ये पकड़ माजी। अहो लोकर स्कूटर चालू होगा तो अच्छा है। सॉरी नहीं नहीं बराबर बोल रहे हैं आप। हाँ परमेश्वर आप हंसा हो रहे। अरे चालू हो बाबा। भीड़ अंकल का स्कूटर चालू होगा? इम्पॉसिबल। हाँ नशीब पॉसिबल। जल्दी जल्दी वो चला जाएगा थोड़ी। पोपटलाल उठो, तुम मुझे बैठने दो, तुम मेरी गोदी में बैठ जाना। अरे हाथी भाई मैं आपकी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ? तो चलो मैं बैठ जाता हूँ। अरे अरे हाथी भाई, इतनी मुश्किल से स्कूटर शुरू हुई है और ये हाथी भाई, सॉरी बराबर है माधवी भाभी। हो ना, थैंक यू। नको ना हाथी भाई, नको। क्या कर रहे हाथी भाई? अरे ऑलरेडी मुझे हाथ में लगा है यार। अरे हाथी भाई इनको जाने दे, जल्दी हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। अरे जाओ भाई जाओ। अरे चल रहा है स्कूटर, नहीं चल रही है भाई, वजन कम करना पड़ेगा भाई। अरे होशियार तुम उतरो। अरे अब चलो क्या कर रहे हो भाई? जाओ बबीता जी का फोन। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। अब जल्दी से लोखंड भाई बिल्डर के यहाँ पहुँच जाए। क्यों क्या हुआ? अंजलि बोलो। तारक वो पोपटलाल भाई का बिल्डर ने हाथ मरोड़ दिया तो सोड़ी भाई यहाँ से बिल्डर के साथ झगड़ने चले गए। ओह गॉड, हे भगवान। ठीक है। हाँ। अब भगवान करे सोड़ी भाई के जीप का टायर का पंचर हो जाए। सब गड़बड़ हो गई। अरे तुम्हारी गड़बड़ छोड़ो जेठालाल, वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस लोखंडे ने पोपटलाल का हाथ मरोड़ा तो सोड़ी उससे लड़ाई करने के लिए गया है वहाँ पे लोखंडे के ऑफिस। यही तो मैं आपको बताने वाला था, मुझसे पहले आपको किसने बता दिया? अंजलि का फोन आया था अभी। हाँ। तो अभी चलो चलते। पापा जी।
अरे भाई शिव शंकर रोड जाना है। चलिए चल, चल। अरे बाप रे आते तेरे को जानते हैं। चल चल कोशिश करो वैसे टाइम नहीं है, पता है खराब। भाई खटारा साइड में ले चल। खटारा किसको बोलते हैं? वजन बहुत है अब्दुल, तुम मुझे सुना रहा है? नहीं नहीं वो तो क्या चाचा जी का वजन ज्यादा है इसके लिए। मेहता साहब वो लोखंडे बहुत खतरनाक आदमी है, उसकी ऑफिस में उसकी पूरी गैंग मौजूद रहती है। क्या बात कर रहे हो, गैंग रखता हूँ? हाँ। ये सोढ़ी भी अकेला निकला है यार। अरे हीरो हट ना यार। ओ भाई हेलो, लाइट देना। पागल आ गया साइड में गाड़ी साहब। लोखंडे लोखंडे बाहर निकल। लोखंडे तुझे हाथ मरोड़ने की बहुत आदत है ना, अभी मेरे साथ तो हाथ कर। बहन जी अब क्या हो गया? अरे लोखंडे ऐसे नीच घिनौनी हरकतों पे उतरा दूं तनु तुम्हें छटाऊंगा नहीं। ओ बहन जी प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए, ऐसे रोने से क्या होगा? अरे औरत के मान सम्मान के लिए अपनी जान दे सकता है पर उसका थोड़ा सा भी अपमान नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कहने का मतलब वैसा नहीं था। अरे भाई सोढ़ी तो फिर ये बहन जी रो क्यों रही है? मैनू भी नहीं पता, मैं जब से आया हूँ तब से ये ऐसे ही रोई जा रही है यार। अरे बहन जी क्या हुआ, कुछ बताइए। मत रोइए, बताइए क्या हुआ। क्या अरे सोढ़ी तो जोशीला है, तुम लोग भी लोखंडे के साथ मारामारी करने क्यों आ गए? अरे जाडालाल हम लोखंडे से मारामारी करने के लिए नहीं आए, यहाँ सोढ़ी को रोकने के लिए आए। ये मोटर में कौन है? कौन सी मोटर में कौन है? अरे ये आदरणीय लेडी। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? जेठालाल पीली साड़ी में जो औरत खड़ी हुई रो रही है ये कौन है? तो सीता बोलो ना, पीली साड़ी क्यों रो रही है? तो मोटर में कौन है, गाड़ी में कौन है, क्या है? तो कौन है ये? मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ अभी आया। तो मैं तुमसे कहाँ पूछ रहा हूँ जेठालाल, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन औरत है जो रो रही है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। छोटी छोटी तू? नहीं नहीं मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया। कुमाल है बहन जी, मैं आपको बहन जी बहन जी कह रहा हूँ, आप मेरे पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अरे क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अरे पुलिस, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है सब ये? कुछ नहीं कुछ। इंस्पेक्टर साहब, इन सब ने मिलके मेरे साथ बदतमीजी की है। अरे
आप बोलने का पहले कुछ सोच रही है? हम लोग तो अभी अभी आए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप मैडम? मैडम आप मेंटल हो गए हो क्या? अरे बहन जी, अगर आप इस तरह से हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे आप लोगों का तो फिर भी ठीक है, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। ये तो आपको मेरे साथ बदतमीजी करते वक्त सोचना चाहिए था ना। अरे हड़ा हड़ खोटू बोले थे भाई। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग यहाँ पे लोखंडी सर पर हमला करने के लिए आए थे, पर वो इन्हें यहाँ नहीं मिले और इन्होंने मुझे एक शिक्षक पर इतना घिनौना आरोप। अरे क्यों बड़ा सफेद झूठ, ये गलत बात है। हम तो अभी अभी आए तभी यहाँ खड़े खड़े रो रहे थे। हाँ और इंस्पेक्टर साहब, ये लोखंडे की चाल है हम सब लोगों को फंसाने के लिए, उसकी हमारे से कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारा किया धरा वो उस लोखंडे का खंडे तनु तो मैं छट्टा मारी। अरे भाई अभी क्या छट्टा मारने, क्यों आया तू इधर सोटी? इंस्पेक्टर साहब, ये लेडी एकदम ड्रामेबाज है, झूठ बोल रही है। बिल्कुल शट अप शट अप शट अप शट अप। ये इंस्पेक्टर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर किसी औरत का अपमान नहीं। बंसुड़े ज्ञाननाथ, अरे पर हमने अपमान नहीं किया। बिल्कुल हम आपके जैसे ही, हम भी सहन नहीं कर सकते किसी औरत का अपमान। देखा सोड़ी, इसीलिए हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए था। तेरे जोश ने हम लोगों के होश उड़ा दिए। आप लोगों का तो ठीक है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। चुपचाप मेरे साथ चल वरना यहीं पे तेरी बारात निकालूंगा। ए मंसूर ज्ञाननाथ चलो। बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे इसमें मुंह ना दिखाने वाली कौन सी बात हुई जेठालाल, तुमने कोई गुनाह थोड़े किया है। बापूजी भी हालात को समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप इन सबको पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? बापू जी मैंने कुछ नहीं किया। हमें किसी ने कुछ नहीं किया चाचा जी, हम पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। क्या यहाँ हुआ क्या है? हाँ और ये पुलिस क्यों आई? खोटा बोलते हैं खोटा। छी 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 छी। अरे आप लोगों की लड़ाई मुझसे है, मेरी ऑफिस क्लर्क से बदला दिया। अरे इतना गिर गए आप लोग? कुछ भी बोल रहा है, पुलिस खड़ी है ना, कानून अपना काम करेगा। हाँ अरे गिरा हुआ तो तू है, जो तूने ऐसी चाल चली हमारे बेकसूर गोकुलधाम वासियों को तूने ऐसे झूठे इल्जाम में फंसाया। हाँ सही बात है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ डॉक्टर हंसराज आती, मैं आपको सारा मामला समझाता हूँ। आप डॉक्टर हैं या वकील? हाँ अभी तो बताया डॉक्टर हूँ। तो आप इन सब की वकालत क्यों कर रहे हो? नहीं मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना। चलो जाओ यहाँ से जाओ। मंसूरे ज्ञाननाथ चाचा जी, मैंने कहा था आपसे मेरी कुंडली ही ऐसी है, जो कोई मेरे रास्ते में आएगा वो ठोकर खाएगा।
लेकिन एक बात तू भी समझ ले, सच्चाई और न्याय के सूरज को झूठ और फरेब के बादल ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रख सकते। और बेटी तुम, अरे औरत तो ममता की मूर्ति होती है, और तुमने, खैर मैं तुझे दोष नहीं लूंगा, तुम्हारी भी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हमने जलाई दिया सलाई की चिंगारी भले हमें छोटी लगे, लेकिन उससे किसी की जिंदगी के सुख चैन जल जाते हैं। बिना सोचे समझे की हुई नादानी से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हाँ कोमल बोलो। हेलो हंस। कोमल बाबी स्पीकर पे करो नी बाबा। हाँ हंस वहाँ क्या हो रहा है, किसी का भी फोन नहीं लग रहा। नहीं यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। कहाँ से ला? क्या हुआ? हाँ लोखंडे बिल्डर ना एक नंबर का नालायक मानूस है। लखड़ जाए नू? एक मिनट हाथी भाई। हाँ? आप ये बताइए कि वो लोग किस पुलिस स्टेशन में हैं? हाँ। हाथी भाई हम सब लोग वहाँ आते हैं। हाँ। नहीं नहीं दया भाभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं चाचा जी और अब्दुल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। ओके हंस। ओके 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 चलिए चाचा जी। चलो अब्दुल चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। बाबा हम लोग पुलिस अंकल से कहेंगे कि हमारे पापा और अंकल को फंसाया गया है, उन्हें छोड़ दे वरना वरना हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। नहीं रे नहीं। चलो फ्रेंड्स चलो चलो। मेरे टप्पू सेना, टप्पू सेना तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे? हाँ वहाँ पे ऑलरेडी कितनी टेंशन है। हाँ। तुम लोग जाओगे ना तो टेंशन और बढ़ेगी। हाँ वरी, और तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग के उधर जाने से उन लोग की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए? नहीं, ये लोखंडे बिल्डर ने बहुत गलत किया है, मैं उसे श्राप देती हूँ। उसकी पत्नी उस पर छेड़खानी का केस कर दे, उसके शरीर में भूत घुस जाए और वो भूत उससे उसकी सारी जायदाद दान करवा दे। शांत दया भाभी शांत। ये देवा घोर संकट है, घोर संकट, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। औरत को छेड़ते हो? पढ़े लिखे कैरेक्टर लेस गुंडे मवाली, अब तुम सबको बताता हूँ कि छेड़खानी क्या होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब आप समझने की कोशिश कीजिए, आप जैसा बोल रहे हम लोग वैसे नहीं है। हाँ देखिए इंस्पेक्टर साहब मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, और ये सब तुम्हारे विद्यार्थी, यही शिक्षा दे दो सबको। अरे कैसी गैर समझ। चुप चुप, आवाज नहीं आओ। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। अरे भगवान, ये पुलिस स्टेशन का मेरा पिछले जन्म का पता नहीं क्या हिसाब किताब बाकी रह गया। मेरी गलती नहीं होती है फिर भी मैं सलाखों के पीछे पहुंच जाता हूँ। सब लोगों ने मिलकर लड़की को छेड़ा है, अच्छा टीम हो गया लोग का। कैप्टन कौन है? वो रहते को शिक्षक। ये क्या बोल रहा है? शिक्षक शिक्षक बोले तो कोच, फिर कैप्टन कौन? अरे कैप्टन कोई भी हो, हमको आपके टीम में शामिल कर लो ना। का निर्लज्ज है। भाई साहब आप लोग अपना काम कीजिए ना प्लीज। आत्माराम कैसे कैसे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे इल्जाम में फंस जाएंगे। ये लोखंडे मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे भाई सोटी लॉकअप में तो पहुंच गए, अभी तू क्या जेल में पहुंचाना चाहता है? भाई शांति रख भाई प्लीज। और मुझे समझ,
मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें लोखंडे से लड़ने जाने की जरूरत क्या थी। तो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा था, कोसू का उसने हाथ मरोड़ दिया और बच्चों का तो खेलने का मैदान ही छीन लिया। ये सब ये पापड़ लाल की वजह से हुआ है। अरे वो अय्यर भाई क्या बकवास कर रहे हैं, बराबर बोल रहा है अय्यर। भाई ये कोई झगड़ने का वक्त है? अरे अभी तो समझदारी से काम लो। अरे मुसीबत के वक्त में दिमाग में शांति और आपस में एकता यही काम में आती है। हाँ, मिलके ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। हाँ। चिंता मत करो, तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओगे। सच? हाँ, या ज्यादा दिन नहीं रखते या फिर सीधा जेल। ए, चल पीछे चल। ए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, वो उनके कंधे में थोड़ा दर्द हो रहा है तो सोड़ी भाई उनको मालिश करके दे रहे हैं। मालिश तो अब तुम लोगों की होगी रिमांड रूम में। अरे बाप रे। श्री बालकृष्ण को फंसाने के लिए कंस ने जितनी चालें नहीं चली होंगी उससे कहीं ज्यादा चालें लोखंडे चल रहा है गोकुलधाम निवासियों को फंसाने के लिए। कारावास में पैदा हुए श्री कृष्ण तो भगवान थे इसलिए बच गए, लेकिन हम कैसे बचे? हे कृष्ण कन्हैया हमें बचाओ इस लोखंडे से। अब देखो ना, हम सारे के सारे लोग गोकुलधाम वाले हवालात में, और हवालात में किसी चोरी चकारी के इल्जाम में होते तो ठीक बात थी साहब, लेकिन यहाँ तो इल्जाम भी बड़ा संगीन है। एक लड़की से छेड़छाड़ का इल्जाम, और आप जानते हैं कि जब ऐसा इल्जाम लगे तो लोग क्या क्या नहीं कहते। इसलिए अभी बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इस इल्जाम से बाहर निकले। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसका मूड भी बिल्कुल किसी आक्रामक बल्लेबाज की तरह, जो 2020 के मैच में बॉलर की धज्जियां उड़ाने पे तुला हुआ। अब ये गांधी मैदान आजाद होगा कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी घड़ी आ गई है कि हम किस तरह इस हवालात से आजाद हो। अब हम आजाद होते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि आपके घरों से गम टेंशन आप उनसे आजाद हो जाएंगे और हंसते रहेंगे जब देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.